नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूँ का दलिया। और गेहूँ का दलिया बनाने के लिए यहाँ एक कटोरी मैंने गेहूँ का दलिया लिया है। ये थोड़ी सी यानी 2 छोटी चम्मच मैंने मूंग की दाल ली है। ये 1 छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है और 3 छोटी चम्मच मैंने घी लिया है। ये पानी लिया है हमारे दलिए में डालने के लिए। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर दूंगी और हमारे कुकर के अंदर घी डाल दूंगी। तो ये मैंने 3 छोटे चम्मच घी लिए हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। घी थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें दलिया डाल देंगे और दलिया को चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तरह ये देखिए हमारा दलिया कलर चेंज होने लग गया है। तो हम इसे थोड़ा और सेकेंगे, इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और गैस मैंने मीडियम रखी है, हम इसे मीडियम गैस पर चलाते हुए सेकेंगे। ये देखिए हमारा दलिया अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो मैं अब इसमें पानी डाल दूंगी। तो मैं इसमें 3 कटोरी पानी डालूंगी, एक और ये 3 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैंने जो यह नमक लिया था, मैं इसमें नमक डाल दूंगी। ये जो मैंने मूंग की दाल ली थी वो मूंग की दाल डाल दूंगी और इसका ढक्कन लगाकर एक सीटी ले लूँ। इसका ढक्कन लगाकर एक सीटी ले लूँ। ये देखिए हमारी एक सीटी आ चुकी है। तो अब मैं इसे 5 मिनट के लिए सिम गैस पर रख दूंगी। ये देखिए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद हम हमारा कुकर खोलेंगे। ये देखिए हमारे कुकर में से गैस बिल्कुल निकल गई है। तो मैं इसे खोल लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा दलिया बनाया हमारा। अब हम इसे चला लेंगे और इस तरह अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए कितना खिला खिला, कितना अच्छा दलिया बनाया हमारा। अब मैं इसे सर्व कर दूंगी। ये देखिए हमारा सादा सिंपल और स्वादिष्ट दलिया बनकर एकदम तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए। थैंक यू।